जसमीत बोलो नेता जी, प्रोग्राम की लड़ी के तहत असी अज विधानसभा हलका भदौड़ इतने अज कांग्रेस के उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्य चोण दफ्तर का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किया मुहम्मद सदीक ने, एक गायक तो नेता का सफर है जोड़ा उन्होंने रहा है। अज भदौड़ विधानसभा हल्के पहुंचे हुए ने, तपा मंडी के उन्होंने चोण दफ्तर का उद्घाटन किया। साढ़े नाल मौजूद ने, गलबात करते हैं, बहुत बहुत स्वागत सदीक साहब। धन्यवाद जी। मैं आप जी का, आप जी तंजन के दर्शकों का बहुत ही आदर सत्कार उनका आदर करते हुए सत श्रीकाल बोलना। सत श्रीकाल सिख साहब, मेरा पहला सवाल, तुसी एक सिंगर सी, गायक सी, बहुत सोहने गीत तुसी गाए, तुहाडा सफर है जिहड़ा किस तरह दे रहा, राजनेता बनना सौखा लग्या जां सिंगर वधिया लग्या? दिब्बा, मैं बहुत देर तो पार्टी नाल जुड़िया होया सीगा। पार्टी नाल जुड़ के मैं कई गीत भी गाए, मैं कईआं नूं अपना मतलब दुश्मन भी बनाया कांग्रेस पार्टी के गीत गा के। की सी भी, मैं सब तो पहला पंडित जवाहर लाल नहरू की स्टेज पर गाया, जो उन्होंने स्पीच की, उन्होंने परसनैलिटी और उन्होंने स्पीच मैं इन्नी चंगी लगी, उद मेरी 18-19 साल की उम्र सी भी, मेरे दिल दिमाग के उत्ते कांग्रेस वस गई। उस तो मगरों चलो वक्त लंघता गया, तो वो की होया बई मैं पब्लिक रिलेशन की नौकरी मिल गई। उदो कांग्रेस दरकार होंगे सगिया साढ़े को, जिन्हें जो कुछ भी छप के आता सी वो पढ़ते सके, प्रचार करते सके। उस तो मगरों पंजाब दे विच कुछ ऐसे काले दिन आए जो बहुत मुश्किल हो गया सारा बाहर निकलना। उस वेले भी मैं पार्टी के नाल कम करता रहा, यह सारा कुछ देख के पार्टी ने मैनू नवाज दिता और उन्होंने टिकट देती, तो इन्हों लोगों ने मैनू प्यार दिता। मेरी पहले जानी मैं समझदा बई जी मेरी कर्म भूमि मैं कह सकता ना, है जी वो मेरी भदौड़ है, मैं क्योंकि इतों ही जितया सीगा। तुसी कहा कि तुसी कांग्रेस पार्टी लई गीत गाए, अज कांग्रेस पार्टी का कंपेन सोंग लॉन्च होने वाला है, कि वो भी तुसी गाए? नहीं, बहन जी गाया जी है, क्योंकि जब का मैं मतलब पिंड जाने लग्या, कह लो नेता बनया, उदों की गाने वाली आवाज़ घट गई है, है जी, तो बोलने वाली आवाज़ बढ़ गई है। सदीक साहब, एक चीज़ होर, इतने जो चोन दफ्तर का बोर्ड लग्या होया, इतने सिर्फ चन्नी साहब की फोटो है, होर किसी भी लीडर की? देखो जी, ये गल है, ये दफ्तर के इंचार्ज ने वो कह सकते, मैं इतने दफ्तर का इंचार्ज नहीं हाँ, मैं पहले लोगों को मिलने वास्ते आया, लोगों को रिक्वेस्ट करने वास्ते आया, लोगों अगर झोली फैला के कांग्रेस वास्ते वोट मंगने वास्ते आया। ये जे इतने कि तस्वीर है कि नहीं है, वो बारे मैं ज़्यादा पता नहीं है। तुम इस हल्के तो MLA रहे हो, हूँ लोग सभा हल्का फरीदकोट तो मैंबर पार्लीमेंट हो, तुम भदौड़ हल्के लिए जो बतौर MLA के काम किया जो लोगों को हले भी याद है? मैं बहुत सारे लोगों को बहुत बारी दस चुके हैं भी मैं अपोजिशन का मतलब MLA सीगा। मैं तो जो कोई पैसा मंगता से अगले चका चक देंगे सके, दिंदे दवाते कुछ नहीं सके। हाँ, इन्ना जरूर है मैं इन्होंने लोगों संपर्क बना के रखे, कि इस करके मैं प्यार करते हैं, मेरा संपर्क नहीं टुटिया, मैं दुख सुख के आने का मौका मिलया, जो किसी ने बुलाया मैं आ गया, इस करके मैं इतों प्यार मिलता, इस करके मेरी ड्यूटी लगी हुई। तुम सुनने आ रहा है कि तुम अपनी पुत्री के लिए भी इतों टिकट मंग रहे थे, वो टिकट नहीं मिली, की वजह रही? देखो मेरी गल सुनो, मैं पहला कहा भी ये डेमोक्रेसी है, ये लोक राज है, इतने हर बंदे नू टिकट मंगण दा, हर बंदे नू इलेक्शन लड़न दा, हर बंदे नू हक है, इस करके टिकट तो एक नू मिलती है, सारे तो मिलती नहीं होंगी, तो जिन्होंने मिल गई खुशकिस्मत है, तो साढ़े वालों उन्होंने बधाई भी है, तो साढ़े वालों वास्ते शुभकामना भी ने। तुसी कैप्टन साहब के बहुत करीबी रहे, थानू बहुत बार कैप्टन साहब के नाल देखा गया, तद भी देखा गया जो कोई होर उन्होंने नाल नहीं सी, हुण तुसी चन्नी साहब के करीबी हो, कि मतलब ये है कि सब? मैडम, मैं दरअसल आप जी सच्ची गल दसदा, मैं कांग्रेस का वर्कर, कांग्रेस पार्टी का वर्कर होने के नाते मैं कदे कांग्रेस तो दूर गया नहीं हाँगा। परमात्मा इन्नी की मेहरबानी रखे भी कदे दिमाग दे विच ये गल आवे भी ना भी मैं कांग्रेस तो दूर हो जावां, है जी। इस करके साढ़े वो भी नेता सीगे, मैं उन्होंने ही उन्होंने वजह नाल ही मैं टिकट मिले, उन्होंने वजह नाल ही मैं जितया, हाँ जी, वो मेरे नेता सीगे, मैं उन्होंने नाल सीगा। हुण जदों उन्होंने कांग्रेस छड्ड दित्ती, फिर मैं नहीं पार्टी छड्ड सकिया, और मैं इस गल नूं चंगा भी नहीं समझा भी मैं पार्टी छड्डा। तुहानूं लैके आउण वाले भी कैप्टन अमरिंदर सिंह सी जी, मैं पहले दस्या भी उन्होंने कृपा के नाल मैं टिकट मिली, उन्होंने कृपा नाल ही मैं जितया। एक चीज़ होर, कि बहुत सारिया सीटा कांग्रेस के ही बंदे ने जिहड़े अपने बंदियां की बगावत कर रहे हैं क्योंकि टिकट नहीं मिली उन्होंने, इस सब नूं तुसीं किवें देखते हो? इस गल नूं मैं इस करके देखदा बई एक मैं समझदा ये बेसमझी का फैसला है, टिकट तो एक बंदे नूं मिलती है, पार्टी और पार्टी हाईकमांड सोनिया जी, राहुल जी और जिहड़ा साडा हाईकमांड है वो देखते हैं, वो सोचते हैं भी किहड़ा बंदा डिजर्व करता, उन्होंने वो टिकट दे देंगे ने। जितना हारना एक किस्मत की गल हुंदी है या लोगों के प्यार की गल हुंदी है। मैं समझदा जदों कि एक नूं टिकट मिल गई है तुहाडी ड्यूटी बनती है, तुसीं उहदी साथ दिओ। बिल्कुल, मेरा लास्ट सवाल सदीक साहब, अजकल के जो सियासी हालात ने उन्होंने देखते हैं, तो दिमाग कुछ गीत कुछ सत्रह आदि ने?
मैडम मैं पहले दसिया तुसी मेरा गला देख रहे हो, ये बोल बोल के गाउण वाला नहीं रहा, ये कला भाषण देने जोगा रह गया। सदीक साहब इदा होंगे ना कि जो अं सदीक साहब न सुनते हैं तो सूँ वो गाने भी याद आते हैं और लोग एक्सपैक्ट करते हैं कि सदीक साहब हूँ कुछ गाँवगे। लो गल यह है, मैं तुहाड़े सामने वादा करके जाना चन्नी जी, इतना जिदन मैं इतने खड़ा ला दूंगा, खुला खड़ा ला दूंगा। सन साढ़े नाल मुहम्मद सदीक जो इतने मुख चोन दफ्तर का उद्घाटन कर पहुंचे ने, उन्होंने दसिया कि एक सिंगर तो लैके राजनेता तक का सफर किहो जिहा रहा, कि कुछ ऊनताइया ने यह भी उन्होंने दसिया। तो मुख्यमंत्री जो इतों के उम्मीदवार ने चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने लिए चोन प्रचार करने इतने पुजे हुए ने, फतवा वजन तन देना। कैमरामैन कमल ते सहयोगी धर्मिंदर धालीवाल के नाल मैं जसमीत कौर, डेली पोस्ट पंजाबी, हल्का पदौड़।